नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बरगी पुलिस गिरफ्त में आई खूबसूरत महिलाओं की भोली सूरत किसी को भी धोखा दे सकती है। ये शातिर महिलाएं आंखों से काजल चुरा लेती हैं। कस्बे के एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस गैंग तक पहुंची, जिसमें कई जेवर भी जब्त किए हैं जो उन्होंने अलग अलग ज्वेलर्स की दुकानों से चुराए थे, पर पुलिस उनकी जुबान नहीं खुलवा पाई। बरगी टीआई रितेश पांडे ने सोमवार को इस गिरोह का खुलासा किया। गिरफ्त में आने वाली महिलाओं में कुम्हारी मोहल्ला गोटे गांव नरसिंहपुर निवासी दुर्गा भदौरिया, पति अशोक भदौरिया, तरुणा भदौरिया पिता प्रहलाद भदौरिया और पूजा भदौरिया पिता राजेश भदौरिया शामिल है। आपस में चचेरी बहने व चाची का रिश्ता है। आरोपियों की निशानदेही पर बरगी पुलिस ने उनके घर से सोने का एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी बाली, पांचाली, एक लौंग और चांदी की अंगूठी भी जब्त की है। आपको बता दें कि ये तीनों महिलाएं बरगी कस्बे में ही एक और ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने के इरादे से पहुंची थी। तीनों महिलाओं की फुटेज पहले से ही पुलिस के कस्बे के सराफा व्यापारियों को देते हुए अलर्ट कर चुकी थी। दुकान के सामने खड़ी तीनों महिलाओं को देखकर एक दुकानदार ने बरगी पुलिस को खबर कर दी। इसके बाद टीम ने मौके पर दबिश देकर तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये तीनों महिलाएं ही पेशे से चोर हैं और इनके निशाने पर ज्वेलर्स की दुकानें होती हैं। गिरफ्त में आने के बावजूद तीनों महिलाएं जुबान नहीं खोल रही थी। तीनों ने अपने पहला ठिकाना बरगी के गांव को, फिर जबलपुर शहर के मदन महल को और आखिर में गोटे गांव का एड्रेस बताया। पुलिस के किसी भी सवाल पर वो खामोशी ओढ़ लेती थी। तीनों के पास से ही चोरी के अलावा दूसरे जेवर भी बरामद हुए हैं, लेकिन वो कहाँ से चुराया गया है ये नहीं बताया गया और पुलिस उगलवा भी नहीं पाई। आपको बता दें कि बरगी टीआई रितेश पांडे ने बताया कि तीनों महिलाएं पेशेवर हैं। उनकी फोटो पुलिस ग्रुप में अलग अलग जिलों को भेज दी गई है। जिले में जहां भी इस तरह की वारदात हुई होगी वहां पुलिस संपर्क करेगी। तीनों ही महिलाएं इसी तरह से घूम घूम कर कस्बे वाली दुकानों को अपना टारगेट बनाती थी। कुम्हारी मोहल्ला गोटे गाँव में भी इसी तरह की आसपास की दूसरी महिलाएँ भी चोरी करने में मास्टर हैं। ये अपने बच्चों को भी बचपन से इसी तरह की चोरी की ट्रेनिंग देती हैं। वहीं बरगी निवासी विश्वजीत सोनी ने 25 दिसंबर की रात में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी मुख्य रोड बरगी में कैलाश चंद ज्वेलर के नाम से दुकान है। 20 दिसंबर को ही तीनों महिलाएं ग्राहक बनकर उनकी दुकान में पहुंची थी। तीनों ने कई जेवर देखे लेकिन बिना खरीदे ही लौट गई। रात में दुकान बंद करने से पहले उन्होंने जेवरों का मिलान किया तो पांचाली व मंगलसूत्र कम मिले। वहीं सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर तीनों की करतूत कैद दिखी। अपने स्तर से तलाश करने का प्रयास करने के बाद उन्होंने चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। थाना बरगी अंतर्गत ग्राम बरगी में कैलाश चंद ज्वेलर्स के यहाँ पे तीन महिलाओं के द्वारा आभूषण देखने के नाम पर एक पांचाली हार चोरी कर लिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 25-30 हज़ार रुपये रही होगी, जो सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर आ जाने पर उसके आधार पर महिलाओं को तलाश किया गया, जो कि गोटे गाँव की रहने वाली पाई गई। उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा पांचाली हार जो है प्रस्तुत करने पर जब्त किया गया तथा अन्य दुकानों से चुराए हुए आभूषण भी जब्त किए गए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।